अब तक आपने देखा सरोजनी दिल्ली में अपने मामा मामी के साथ रहने वाली एक मिडिल क्लास खुद्दार लड़की है। दूसरी तरफ है सोमेंद्र जो लड़कियों को छेड़ता है और मन चला है, और उसका बाप दुष्यंत सिंह जो प्रतापगढ़ में रहता है और अपने परिवार पर कठोर अनुशासन चलाता है। सरोजनी सोमेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, पर पुलिस सोमेंद्र को रंगे हाथों पकड़ने में नाकामयाब होती है। इस बीच सरोजनी का एक्सीडेंट होते होते बचता है और वो गिरने वाली होती है, तभी सोमेंद्र उसे संभाल लेता है। अब देखिए आगे। हाँ मैं आसमान से गिरी तो सोमेंद्र पर अटकी, इसलिए बच गई, नहीं तो गिर गई होती मुंह के बल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हद है यार, इतनी भी तमीज नहीं सीखी तुमने? तमीज तो इतनी सीखी है कि तुम्हें भी सिखा सकती। अरे तो सिखाओ ना, घबरा काहे रही हो? घबरा नहीं रही हूँ, बल्कि हैरान हूँ कि तुम जैसा इंसान कितना छिछोरा और गलीज हो सकता है कि मेरा पीछा करता हो यहाँ तक पहुँच गया। हेलो हेलो, ओ मैडम सुनिए, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं बल्कि तुम्हारे आगे आगे चल रही हो। अरे हम तुमको किसी का पीछा करने में लगते हैं का? हाँ तुम्हें गिरते हुए देखा तो पकड़ लिए, लेकिन अच्छा ही हुआ मुफ्फत में पता चल गया कि तुम इस गली के किस घर में रहती हो। अरे तुम्हारा हमारा यही फैसला हुआ था ना कि हम तुम्हें परेशान करेंगे। देखो तुम। अरे देख तो लिया, वही घर है ना तुम्हारा। अरे रे 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 रे। ए, तो उस लंगूर कुमार की बाइक लग रही है, इतना भीतर घुसा है वो घर वालों के साथ। अच्छी सेटिंग किया लंगूर कुमार, लेकिन ये बाइक है ना तुम्हारे घर के बाहर जच नहीं लग रही है। काम करते हैं, उसको बाहर बुलाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, उसकी बाइक को भी तोड़ते हैं, फिर किलो के भाव भी बिक जाएगी, और फिर उस लंगूर कुमार को भी पता चल जाएगा कि सुमंदर से धमकी नहीं देता है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट कर, बोलो सुमंदर प्लीज चले जाओ यहाँ से। रिक्वेस्ट करेगी मेरी जूती और तुम जाओगे? तो फिर अपनी जूती को ही बोलो रिक्वेस्ट करने के लिए, तब तक हम नहीं जाएंगे। हम सोच रहे थे कि यहाँ तक आए हैं तुम्हारे घर रो ही लेते हैं एक बार। देखो ये ना मेरा मोहल्ला है, अगर यहाँ ज्यादा नाटक किए तो सारा मोहल्ला तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुलिस में गवाही देने के लिए, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जा रहे हैं लेकिन गवाही से ही नहीं डर रहे हैं, बल्कि ये सोच के जा रहे हैं कि मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी ना हो। अरे आज तो परेशान देख लिया, आज का गेम ओवर। हाँ फिर आएंगे, मैच खेलेंगे, तू डाल डाल मैं पात पात। है जा रहे हैं। डाल डाल पात पात है? सत्तर, इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर। अरे क्या है यार ये, धीरे नहीं बोल सकते तुम्हारा बहत्तर तिहत्तर? ड्रामा कर रहे हो फिजूल में, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यार, पढ़ाई कर रहा हूं मैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पहलवान भयानक होए। इसलिए बेटा हमारे एक पते की बात सुनो, एक किताब पढ़ के ज्यादा से ज्यादा एक टूटी फूटी नौकरी मिल सकती है, वो भी जी हजूरी वाली। मैं बाबू नहीं तो बड़े बाबू बन जाओगे फिर, क्योंकि अचार की तरह किताबें चाट कर तो ऐसी नौकरी मिलती है। अच्छी नौकरी के लिए जिंदगी किताब पढ़नी पड़ती है भाई, जिसका तुम आज तक एक पन्ना तक नहीं पलटे। भाई मुझे पलटना भी नहीं है, तुम ही पलटो और तुम ही पढ़ो वो पन्ने। कमरे के भीतर मुझे परेशान करते हो और कमरे के बाहर उस लड़की को। अरे सिर्फ उस लड़की को नहीं बे, उस लैला के मजनू को भी। अरे इधर आओ, तुम्हें बताएं कि आज क्या हुआ। अरे हम जा रहे थे मयूर विहार की तरफ, वो लड़की दिख गई अचानक रास्ते में, राजा अपने घर के पास। फिर क्या वो सीन क्रिएट हुआ, उसे गिरना था जमीन पर और गिर गई हमारी बाहों में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल। लेकिन अकड़ बहुत है उस तीखी मिर्ची में, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह हम पे भड़क गई। बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
तो हमने बोला संडे मना रहे और इसके बाद तुम्हारे घर जाएंगे तो परेशान हो गए। तो हमने सोचा चलो छोड़ो यार, आज का कोटा तो पूरा हो गया और फोकट में उसका घर भी देख लिया। तो हमने बोला चलो जाओ मस्त रहो, कल फिर से मिलेंगे तुमसे। एक बात बताए, जब वो मस्त रहती है ना तो बहुत मस्त लगती है, और जब वो परेशान होती है ना तो साला मजा नहीं आता, चेहरे की सारी सुंदरता तबाह हो जाती। तो फिर क्यों परेशान करता है यार उसे? अरे हम तो मजा ले रहे थे यार, हाँ? लेकिन आज मजा नहीं आया। वैसे ही मैच अब बराबरी का नहीं रहा। अरे लड़की जात है, कितना झेलेगी हमको, और हम भी कोई राक्षस थोड़ी ना है। एक बार हमको बोलते कि छोड़ दो तो हम बख्श देंगे। लेकिन एक बात बढ़िया करती है, वो लौंडा है ना, लुक्का है साला। वो कहते हैं ना कि कपड़े का हथौड़ा, वैसा है साला। सारा लंगूर कुमार, किस्मत से हाथ लग गई है उसके बटेर। अरे लग गए तो ठीक है ना यार, चल फिर पढ़ाई कर लेते। अरे पढ़ाई करके बेरोजगार बनना है का? हाँ? एक बात सुन लो, अंतिम रिजल्ट में हम तुमसे ज्यादा पैसा कमाएंगे एक दिन। चाटो किताबें दीमक महाराज, क्या हो? हम भी जाते हैं डोले शोले बनाने। सपना ये का होई गए तुम का निर्झरिया, और देख तो अपनी बहुरिया को, ये का तमाशा है? सर पे कौनो देवी तो सवार नहीं होए गई? कौनो देवी सवार नहीं हुई है, आज बाबूजी घर पर नहीं है ना, तो आज का दिन सबसे बड़ा त्योहार है हमरे लिए, इसलिए मजा ले रहे हैं। वो का है ना, कम से कम आज के दिन तो अपने मन का पहिन ओढ़कर अपना शौक पूरा कर ले। देख तो तुम्हारे भतार के जाने की कितनी खुशी हो रही है इसको। अम्मा ये हमरे भतार के जाने की खुशी न ना, ये खुशी अपना भतार पाने की है। वो आ गए। अरे बाबूजी की बिठाई दी अच्छे से ट्रेन पर? अरे फसड़ क्लास में बिठा के आए हैं, और इससे भी अच्छा कहाँ बिठाते बताइए। हे देवी माँ, बस आज कौनो चमत्कार हो जाए और हमरा मर्द हमरे सिंगार पटार से ऐसा लोभ आ जाए कि बच्चा देने को तैयार हो जाए, वरना ये घर के माहौल में तो हम कभी भी माँ नहीं बन पाएंगे। काहे कि बाबूजी की चाकरी से इनको कभी फुर्सत ही ना मिलती। बस आज बिल्ली के भाग से छीका टूटा है मैया, आज बच्चा दे दो ताकि हम मेके चले जाएं। 3 साल हो गए शादी के, कभी मेके नहीं गए। ससुर ऐसा पापी है कि कहता है कि बिना पेट में बच्चा आए मेके नहीं जाने देंगे, और बच्चे के लिए मर्द को छोड़ता ही नहीं है। लेकिन आज हमारा मर्द छुट्टा है मैया, बस तुम्हारी मदद की दरकार है, को खरी बरी कर दो माता। हटो। अरे यार आज का हो गवा तुमका, तुम देख रहे हो ना हम कछु ढूंढ रहे हैं, तो काहे हमारे काम में बाधा पहुंचा रही हो, हटो पीछे। और तुम कुछ नहीं देख रहे हो का? यहाँ सोना बह जा रहा है और तुम हो कि कोयला पे छापा मार रहे हो। तनी नजर उठाई कि तो देखो कैसे लग रहे हैं। आज कुछ और मत खोजो हमने राजा, बहुत अच्छा मौका है, ना जाने फिर कभी ये मौका आए। मौका? कैसा मौका? अरे का बोले जा रही हो तुम यार,
बाबूजी घर पे नहीं है, सोलह सिंगार किए हैं तुम्हारे लिए, देखो ना कितना सजे हैं। आज तो खुल के हमारे साथ रह लो, दे दो ना एक बच्चा हमने मायके जाने का टिकट। समझो ना बात को, जब से आए हैं घर में तब से मायके वापस नहीं गए, 3 साल हो गए हैं। बच्चा तो आज नया हो सकता, तोरज ढूंढने आए हैं, कोई पापा बनने थोड़ी ना आए। पर बाबूजी हमको कहे हैं कि जब तक वो दिल्ली से वापस नहीं आ जाते तो हमको बाहर दरवाजे पे सोना है। बैठक में वैसे भी बहुत कीमती सामान रखा है और बाबूजी की छोटे वाली तिजोरी भी तो रखी है। दादाजी का कोनो भरोसा नहीं है, कोई चोर डाकू आएंगे तो उनको बताने लग जाएंगे कि सामान यहाँ रखा है ले जाओ, वो सामान वहाँ रखा है ले जाओ, ससुरा सब कुछ लुटवा देंगे। पर एक बात हमारे ध्यान से सुनो, कि जो सोने की दुकान खोल के रखी हो ना इसको बंद करो, नहीं तो चोर डाकू का भरोसा यहाँ भी आ सकता है। भगवान करे कोई चोर डाकू आके लूट जाता हमको, कम से कम इंसान की नजर में अपना महत्व तो पता चले। भगवान से आशीर्वाद मांग लो, अब यही उस गुंडे से रक्षा करें। अब यही तुम्हें उस गुंडे से बचा सकते हैं। मैं खुद भी तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ। भगवान, सुमेंद्र नाम का गुंडा मेरी फियांसी सरोजनी के पीछे पड़ गया। आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो सब जानते ही हैं, वो मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है। भगवान, सुमेंद्र नाम की बला से सरोजनी को नहीं मुझे भी बचा लीजिए प्लीज, लड्डू चढ़ाऊंगा। यार कमाल है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं और तुम यहां चले। चले बेटा, यह है दिल्ली, देख रहे हो ना तुम लोग, यह है दिल्ली का बस उत्सव है, हाँ? समझो अब रोड पार भी करना है हमें उधर कहीं। सुनो, हम 3 तक गिनेंगे, औसत से रोड पार कर जाना है, ठीक है? प्रतापगढ़ के मना धोना मत डुबाना। एक, एक, दो, 3, चलो चलो। गाड़ी से खींच कर ये पटक देंगे, छितरा जाबो साला बेहुद्दा। अरे हम लोग फिर दुम दबा के दिल्ली रुक गए, हमने नहीं तो कम से कम प्रतापगढ़ की इज्जत का ख्याल करते। ठाकुर साहब एक तो बात बोले, अब बोल। ये दिल्ली का सड़क है ना, ये पार करना हमारे बस में नहीं है। और ये देखिए देखिए ससुरा कैसे दंदना के जा रहा है, जैसे दहिए पर चढ़ा देगा। ठाकुर साहब ये हमसे ना हो पाएगा, ला हम करते हैं ला। अरे ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब, इस समुंदर बबुआ खाती लाए हैं तू? हाँ, ये दिल्ली है दिल्ली, समझा? तुम लोग 60 साल हो जाएगा इस पार से उस पार ना जाओ पाओगे। अरे मयंक साइड से निकालो ना, सिग्नल भी रेड नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। कोनो गाड़ी आगे बढ़ाए तो मार के पुट्ठा लाल कर देंगे। रुक ये, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, चलो तो तुम लोग लेट हो जाएंगे यार, निकालो। आ जाओ। रुको उड़न खटोला,
मारेंगे एक गल्ला खींच के सीधे गिरोगे इंडिया गेट। अरे अरे ये क्या तमाशा है, ट्रैफिक क्यों जाम करके रखा है आपने? अरे हीरोइन जी, हमारे गांव के लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं इसलिए जाम लगा रखे हैं, थोड़ा कोऑपरेट करिए। अरे ये क्या बात हुई, आप पूरा ट्रैफिक जाम करके रखेंगे, ऐसे सड़क पार करेंगे आप हम सबको रोक कर? आप ऐसा नहीं कर सकते, ट्रैफिक रूल्स भी कोई चीज होती है, आप क्या उन सबसे ऊपर है? है सबसे ऊपर है, क्या करोगी यार? आप आरटीओ से बड़े थोड़े ना, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आपको पार भी करना है तो आगे सिग्नल पर जाकर पार करिए ना, यहाँ क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता जी की शादी में जाना है, जल्दी है हमको, मारेंगे। अरे रुके, क्या कर रहे हैं आप? रुको तुम, हम तो सड़क पार कर रहे हैं। ये तो जाति कर रहे हैं आप। हाँ बेटा, तो बिना जाति के थोड़ी हो पाएगा काम। क्यों, जंगल से आए हैं? नहीं, जंगल से तो नहीं आए हैं, पर हैं हम शेर। आप शेर हो या बाघ? आप इस तरीके से रास्ता पार नहीं कर सकते, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे जिसको बुलाना है उसको बुलाइए आप, हम डरने उड़ने वाले नहीं है, समझ गई आप? क्या करें हम अपने बेटा से मिलने आए हैं दिल्ली, हमारे गांव के लोग आए हैं, वो डर रहे हैं रोड पार करने में, उनको गोदी में लेके जाए? हटिए पीछे, ए, चल सब, तमाशा देख रहा है तुम लोग, आओ चल जल्दी, पर हो हाँ, अब जाओ जहाँ जाना है तुमको, चलो। हाँ तुम जल्दी चलाओ, क्लास का पहला दिन है मेरा टीचिंग का, मैं लेट नहीं होना चाहती। मैं कमिंग सर। यस मिस सरोजनी। थैंक यू सर। सर मैं सरोजनी, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। हमारे पेपर्स तो आपके पास सैटरडे को ही आ गए होंगे ना? यस मिस सरोजनी। आपकी क्लास है 12 सेक्शन बी रूम नंबर 32। बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हे भगवान, आज दिन की शुरुआत बहुत खराब रही, ऐसे बदतमीज इंसान से सामना हुआ कि क्या कहूं, मन उलझा हुआ सा, मुझे शक्ति देना प्रभु, बस कुछ गलत ना हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज मेरे टीचर बनने का पहला दिन, मेरे सपने मेरे भविष्य की तरफ पहला कदम, का साथ चाहिए, बस आपकी कृपा हमेशा मुझ पे बरसाए रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सरोजनी और मैं आज से आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले अटेंडेंस ले ले, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। सिट डाउन। अभिनव शुक्ला। यस मैम। शिवम नायर। यस मैम। रोहित राजवर्धन। यस मैम। साक्षी सिन्हा। प्रेजेंट मैम। नेहा तलवार। यस मैम। सुमेंद्र सिंह। सुमेंद्र सिंह। सुमेंद्र सिंह। प्रेजेंट मैम। हमारा पैंट नीचे गिर गया था, उठा रहे थे।